लग्जमबर्ग की जो पर कैपिटा इनकम है, माइक्रोनेशंस को हटा दे, है लग्जमबर्ग भी बहुत छोटा पर काफ़ी बड़ा है। माइक्रोनेशन मतलब लिखटेनस्टाइन, जो मैं 2020 में गया था स्विट्जरलैंड के पास, एक बिल्कुल छोटा सा देश है जिसको मतलब पैदल चल के हमने पार कर दिया, इतना छोटा है। मोनैको जहाँ पे मतलब सारी गैम्बलिंग वगैरह होती है, वो बहुत ही छोटा सा देश है 8-10 किलोमीटर का। लग्जमबर्ग फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो लग्जमबर्ग की अगर इन दोनों को भी हम देश मानना ही पड़ेगा क्योंकि देश तो है ही, तो इन दोनों को अगर मान लें तो लग्जमबर्ग की पर कैपिटा थर्ड नंबर पे 1,27,000 डॉलर यहाँ का हर बंदा कमाता है पर ईयर। जो मेरे को तजिंदर भाई भी मिले थे ना, तो बता रहे थे कि लग्जमबर्ग में अगर आपको नौकरी मिल जाती है ना, तो आपकी जो सैलरी है मिनिमम से मिनिमम 4,500 यूरो पर मंथ की सैलरी मिलती है यहाँ पे। खैर खर्चा भी उसी हिसाब से होता होगा, पर आप देख सकते हो कि 4,500 यूरो मतलब जो मिनिमम बंदे को मतलब मिनिमम वेज है वो यहाँ पे, इससे नीचे कोई बंदा नहीं कमाता यहाँ पे लग्जमबर्ग में। पर एक वो बता रहे थे कि यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको सीखनी पड़ेगी फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच के बिना ये लोग लेते नहीं हैं किसी को भी जॉब। मतलब कोई आप बड़ी पोस्ट पे हो तो फिर ले लेंगे जॉब पे, आपको कस्टमर से डील नहीं करना, पर अगर कस्टमर से डील करना है तो फिर आपको फ्रेंच आनी चाहिए। यार 1,27,000 डॉलर कितने हो गए आज की तारीख में, हो गए लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ही, 1.1 करोड़ का पैकेज। ठीक है, खर्चा भी ज़्यादा और टैक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से इन देशों में टैक्स है कुछ 40-50% के बीच में, जो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ हैं और ये लग्जमबर्ग वगैरह, इसमें टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे ना भाई, जब से मैं आया हूँ ना, इतनी BMW, Mercedes, Audi देख चुका हूँ, मैंने देखी भाई कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा है। मौसम बहुत ठंडा हो गया, हाथ भी ठिठुर रहे हैं और नाक से आप पता लगा सकते हो, और ग्लव्स नहीं लेके आया मैं। तो अभी चलते हैं वापस अपने होटल और ट्रैम भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से दिखा रहा था बस लेनी है, 8 मिनट की वॉकिंग पे मिलेगी आपको बस, और फिर आपको वहाँ से 5 मिनट और वॉक करना है। फिर एक दिखा रहा था कि यहाँ से बस ले लो और फिर आगे ट्रैम ले लो एक, तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों वॉक क्यों करना है, बस लेके जाएंगे आराम से इतनी सर्दी में। और यार आईफोन दिखाता ही नहीं, देखो हाँ अब सही दिख रहा होगा कैसा मौसम हो रहा है। बस आने वाली है 5 मिनट में, फिर चेंज करके ट्रैम में बैठते हैं और ट्रैम भी दिखाता हूँ आपको कैसी है आगे। यहाँ की ट्रैम्स देखो यार, मेरे को नहीं लगता भाई, मैंने अभी तक जितनी कंट्री गया हूँ उसमें से किसी भी कंट्री में इतनी एडवांस ट्रैम देखी है यार मैंने। एडवांस तो मेरे को नहीं पता कैसे है, पर ये लग रहा है कि जैसे फ्यूचर से आई हो। भाई ये कैसी भाई यार, ये मतलब चलो सीट तो वैसी है पर ये फ्यूचरिस्टिक सी नहीं लग रही ट्रैम। अब चलते हैं खाना खाने, हालांकि मैं होटल में भी था खाना खाने का, पर मैंने सोचा भाई होटल में क्या खाना, थोड़ा घूम के आते हैं सिटी सेंटर के, रात की वाइब्स देख के आते हैं कैसी सी है। बस इस तो यहीं से चलते हैं 2 मिनट दूर से होटल से, 5 मिनट पहुंच जाएंगे, थोड़ा खा भी लेंगे और वाइब्स भी इंजॉय करेंगे। चलो तो भाई एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल वेज रेस्टोरेंट है, मेरे को लग्जमबर्ग टूरिज्म वालों ने रिकमेंड किया था, तो इसमें सारी चीज़ वेजिटेरियन है। तो मैं सोच रहा हूँ जूस ले लूँ, ऑरेंज जूस है तो थोड़ा महंगा पर चलो कोई नहीं, और फलाफल की प्लेट ले लूँ, यही ज़्यादा समझ में आ रही है मेरे को। और यहाँ पे इंडियन दाल भी है, पर वो तो इंडियन में खा लेंगे, ये दोनों चीज़ ले लेता हूँ बस, और तो कुछ नहीं लेना। भाई मैंने अभी पढ़ा कि ये रेस्टोरेंट ना वेजिटेरियन नहीं है, ये वीगन है, तो टाकोस में भी मतलब कोई मीट वगैरह नहीं है, ये तो वेजिटेरियन के भी बाप होता है वीगन, तो देखते हैं कैसा है। तो भाई ये कुछ यहाँ का मेरे को लग रहा है 300 रुपये, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा नाम लगा, तो मैंने कहा ले आओ यार देखते हैं कैसा क्या खाने में। आइसक्रीम सी लग रही है तो मेरे को, चलो खा के
फिर बताऊंगा कैसा है। भाई खाना मैं बताऊं तो ऑरेंज जूस था, ऑरेंज जूस जैसा, और जो टाकोस थे वो काफ़ी सही लगे मेरे को, जो वीगन टाकोस थे। अब पता नहीं क्या डालते हैं, शायद ये डालते हैं जैक फ्रूट उसमें, वो काफ़ी सही था। वो था 17.5 यूरो का, ऑरेंज जूस था भाई वो ग्लास 5.5 यूरो का, और मैंने क्या लिया था, हाँ जो लास्ट में 1300 रुपये का आया था, वो मेरे को ऐसा लगा जैसे आइसक्रीम सी थी, और उस आइसक्रीम का टेस्ट ना ऑरेंज जूस जैसा था, मतलब तीनों का थोड़ा थोड़ा अलग टेस्ट था। मैं कहूँगा ट्राई कर सकते हो, 2-3 लोग हो, एक बंदा तो वैसे भी मतलब हम खा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे टेस्ट के मुताबिक है नहीं वो, तो हम नहीं खा पाएंगे। तो मेरा टोटल आया 30 यूरो 10 सेंट्स, ठीक है। और ये मैंने इसलिए ऑर्डर कर दिया इतना सारा क्योंकि लग्जमबर्ग टूरिज्म वालों ने कहा है भाई अच्छे से खाना खाना और हमारे खाने के बारे में बताना कि यहाँ पे कैसे कैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे रेस्टोरेंट ट्राई करके। उन्होंने कहा था आपका लंच का बजट है 30 यूरो और डिनर का बजट है 60 यूरो, तो भाई ना मैं 60 यूरो खर्च कर पाया ना मैं 30 यूरो, तो अबे कहाँ से है रास्ता। तो ठीक है क्योंकि यार हम नहीं कर सकते, इतना कैसे खर्च कर दूं मैं, 6000 रुपये खाने पे नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कुछ पैक करा लूं पर टाकोस काफ़ी अच्छे थे तो मेरा पेट भर गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं नाइट की वाइब्स कैसी हैं, तो कुछ ऐसी हैं। उन स्ट्रीट्स पे जो सुबह ना लड़ियाँ वगैरह लगी थी ना वो जला नहीं रखी अभी, मेरे को लग रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर टाइम पे जलाते होंगे, न्यू ईयर के एक हफ्ते बाद तक। आज तो January 13 हो रही है तो इसलिए जला नहीं रखी। चलते हैं कल कोई और रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे जो कि विजिट लग्जमबर्ग वालों ने बताया कि आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि कोई उन्होंने कहा नहीं कि यही करना है, पर हाँ कर लेंगे नया ट्राई कुछ। यार रात को देखो ट्रैम की सीट्स कितनी मस्त लगती हैं, वैसे तो खैर मैं तो कहूँगा बिजली की वेस्टेज है, चाहे थोड़ी बहुत LED लगा रखी है, लगती बड़ी शानदार है भाई, पर इस ज़माने में ज़रूरत क्या ही थी इसकी, पर लग बढ़िया रही है पहले। तो भाई आपने वो बटन देखा ना जो ट्रैम में था जिसको दबा के बाहर निकलना होता है, सारे दरवाजे नहीं खुलते भाई, जो बंदा बाहर से या फिर अंदर से बटन दबाएगा तभी दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो भाई मैं गाने सुन रहा था बस स्टैंड पे जब जाते वक्त, तो भाई बस आ गई एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। हालांकि बहुत देशों में ऐसा ही है भाई, खुद ही बटन दबाना पड़ता है ताकि एनर्जी सेविंग होती है उससे, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा भाई क्या करना होता। मैं देख रहा भाई मेरे को याद तो आ गया कि बटन दबाना है मेरे को, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा। बस का ड्राइवर भी देख रहा भाई ये खड़ा है, इसने हाथ भी दिया और ये अंदर नहीं बैठ रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई बटन कहाँ है, बटन कहाँ है, इतने में अंदर से एक लड़की उठ के आने लगी और उतनी देर में मेरे को बटन मिल गया था। वो लड़की कह रही भाई मैं ही खोल देती हूँ, इस पागल को तो मिलेगा नहीं बटन। तो ट्रैम में शायद यार बाहर से खोलने के लिए होता है ट्रैम में भी होता है, और जैसे अभी मैं अपने दरवाजे 3-4 बंदे उतरे होंगे तो ट्रैम में थे तो 8-10 गेट पर खुले 2-3 ही जिसमें से बंदे उतरे थे। तो भाई नए दिन की शुरुआत, ये इस होटल का रेस्टोरेंट और काफ़ी सही है यार, बेटर है बहुत ज़्यादा। और ये लिया है मैंने राजमा, एक आलू, एक अंडा, एक दही, ऑरेंज जूस, थोड़ा थोड़ा और ले लेंगे और अब रास्ते में खाना ही पड़ेगा यार, पराठे खाने वाले को कहाँ ये मतलब पेट भरेगा इससे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में लग्जमबर्ग में। तो लग्जमबर्ग बड़ा फेमस है कैसल्स वगैरह के लिए, काफ़ी सारे कैसल्स हैं, वैसे पूरे यूरोप में ही बहुत सारे हैं पर लग्जमबर्ग में भी हैं काफ़ी सारे। तो एक थोड़ा ना बेल्जियम के बॉर्डर पे कैसल है, तो मैंने सोचा भाई चलते हैं, ट्रैम फ्री है, बस फ्री है, ट्रेन फ्री है, सब फ्री है, अपना थोड़ा जर्नी भी हो जाएगी और थोड़ा लग्जमबर्ग को मतलब ट्रेन वगैरह में से देख भी लेंगे। तो आज थोड़ा गूगल दिखा रहा था कि थोड़ा मॉडिफाइड है शेड्यूल, मतलब पता नहीं है ट्रेन नहीं है, तो ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है और होगी तो मज़ा आएगा। तो विंडेन कैसल जा रहा हूँ मैं, VINDEN कैसल, ये यहाँ से कुछ लग जाएंगे मेरे को जाते जाते 2 घंटे। तो पहले लेनी एक ट्रैम, फिर जाना है मेन ट्रेन स्टेशन पे, और मैं आज भी भाई ठंडा भी जैकेट बंद करता हूँ, फिर मेन ट्रेन स्टेशन से एक ट्रेन लेनी है, फिर उतर के एक बस लेनी है, इतनी छोटी सी कंट्री में इतना सब करना है। तो 7th स्मॉलेस्ट कंट्री है लग्जमबर्ग पूरी दुनिया में, तो सोच सकते हो कितनी छोटी है, पर फिर भी काफ़ी मतलब और जो इससे छोटी छोटी उससे तो काफ़ी बड़ी है।
ये आ गया हमें स्टेशन पे और हमारी ट्रेन चलेगी 7CD कुछ ऐसा लिखा था, तो 4 से 14 यहाँ है। कल दिखाऊंगा अच्छे से स्टेशन तो आपको मैं जब बेल्जियम जाएंगे। ये लगी हुई है भाई अपनी ट्रेन पहले से ही, और 7CD का मतलब है भाई 7, जैसे छोटी ट्रेन है ये, चार ही डिब्बे दिख रहे हैं, तो पूरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती, तो सी और डी मतलब प्लेटफॉर्म के पीछे वाला हिस्सा है उसका नाम है। अरे तो भाई लक्ज़मबर्ग से उम्मीद तो नहीं थी यार, साफ तो कर लेते ट्रेन। भाई लक्ज़मबर्ग में ये भी होता है, ये कि बुक स्टोर सा है, इसके अंदर आ गया मैं। खैर बाहर बारिश भी हो रही है और आपको जो बुक चाहिए वो लेके जा सकते हो, शायद कुछ ऐसा ही है इसमें, और जिसको नहीं चाहिए वो यहाँ रख के चला जाता है। इंडिया में होता था यहाँ से लोग ले जाके सर्दियों में जला जला के आग सेकते। भाई एक छोटी सी टाउन में मैं रुका था ट्रेन से उतर के, अगली बस लेनी है तो मेरे को थोड़ी भूख सी लगी थी, तो चिकन नगेट ऑर्डर करा विद करी सॉस और ये अपनी लिप्टन दी चाह, ये खा के चलते हैं आगे। भाई भूख सी लग रही थी मेरे को, ब्रेकफास्ट तो ऐसा ही था। वो तो इस टाउन में आ गया था यार मैं, अब वहाँ वो है बस स्टेशन, 10 मिनट बाद एक बस आएगी वो लेनी है जो और आगे लेके जाएगी मेरे को। अभी 10-12 किलोमीटर बचा है और सामने कितना मस्त सा चर्च आ गया यार। भाई लक्ज़मबर्ग है तो बहुत अमीर, इतना बड़ा स्क्रीन लगा रखा है, मेरे को लगा एडवर्टीजमेंट के लिए है, पर भाई ये टच स्क्रीन है, सारी बस आ जाती है, अपना प्लान बना सकते हो, एजेंडा ये तो नहीं हो रहा क्लिक, ये दोनों हो रहे हैं, ये दोनों भी नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं, पर फिर भी भाई देखो मतलब भाई सही में बहुत अमीर है लक्ज़मबर्ग। इतनी अमीरी या तो मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखी थी या यहाँ देख रहा हूँ। भाई ये बस आई है छोटी सी बिल्कुल, और ये भी फ्री है, लक्ज़मबर्ग वाले कर तो तोड़ ही रहे हैं। ये इस बस ने छोड़ दिया शायद, इसका आखिरी स्टॉप है और वो रहा पहाड़ के ऊपर किला। अब चलना पड़ेगा पैदल पैदल, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे ऊपर। तो यार चलते चलते आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूँ, खैर मैं तो नहीं हो रहा, पर बारिश की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि लक्ज़मबर्ग में सांस चढ़ गया यार, कि लक्ज़मबर्ग में सारी चीज़ें फ्री क्यों हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत पहले से फ्री नहीं है, ये 2020 से ही फ्री किया है इन लोगों ने, और वो क्यों किया है, क्योंकि भाई लक्ज़मबर्ग वाले लोग इतने अमीर हैं ना, लक्ज़मबर्ग अमीर क्यों ये भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें हर 100 बंदों में से 16 बंदे मिलियनर हैं यहाँ पे। अब देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, हम सोचते हैं कि 10 लाख रुपए, नहीं भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 10 लाख डॉलर होने चाहिए, 1 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन डॉलर का मतलब होता है कुछ, और यहाँ से मस्त नज़ारा है, कुछ 8 करोड़ रुपए आज के साल में। तो 1 मिलियन तो नहीं होंगे उनके पास, दो तीन मिलियन होंगे सबके पास, तो हर 16 बंदे के पास 1 मिलियन से ज़्यादा रुपए हैं, 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसे हैं। तो इनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हर 1000 बंदों पर 700 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इसे अच्छा फ्री करो, क्योंकि यहाँ पार्किंग की दिक्कत आ रही थी और पुलिस भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई मत लेके आओ गाड़ियाँ वाड़ियाँ। मैं कहा तो भाई पुलिस भी रिक्वेस्ट कर रही थी लोगों से, समर्स में ज़्यादा घूमते हैं लोग, तो लेक्स वेक्स के पास इतना ज़्यादा जाम लग जाता था ना कि लोग इल्लीगल पार्क करके जा रहे हैं, अब क्या करें, उनको नहीं मिल रही पार्किंग तो इल्लीगल करेंगी। तो ये करने के लिए लक्ज़मबर्ग ने क्या करा, कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री में यूज़ करो यार तुम लोग, पर अब भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। और हाँ, लक्ज़मबर्ग के पास जो वेस्टर्न यूरोप में है सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल है, और सबसे अमीर हैं ये लोग, तो इनके लिए यार गाड़ी में ही जाएंगे, क्यों कोई बस का इंतज़ार करेगा, इनको वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 2-4 यूरो की टिकट पूरे महीने में, पूरे साल में इनके 2-4 हज़ार डॉलर खर्च भी हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इनको, जब इनकी इनकम ही 1,30,000 डॉलर एवरेज है,
तो इसलिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया गया। दुनिया में बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे किसी किसी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, और यहाँ पे क्या करा करा पूरी कंट्री में फ्री कर दिया। और लग्जमबर्ग इतना अमीर क्यों है? लग्जमबर्ग इतना अमीर है अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से। इनको अपने एक टाउन में आयरन की, लोहे की बहुत बड़ी खदान मिल गई थी। स्टील की इंडस्ट्री है, आयरन की इंडस्ट्री है, उस चीज़ों की वजह से अमीर है। अब उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम विज़िट करेंगे ये कासल। इसकी टिकट अंदर 10 यूरो जाने की, पर मेरे पास है लग्जमबर्ग कार्ड करके कुछ चीज़ है, तो वो मेरे को विज़िट लग्जमबर्ग वालों ने भेजा था। उस कार्ड से 90 अट्रैक्शंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट कर सकते हैं, म्यूज़ियम्स वगैरह, और कईयों पे डिस्काउंट है। तो मैं तो पहला है जो विज़िट कर रहा हूँ, तो चलते हैं देखते हैं कैसा है। का नाम है वियंडन कैसल, ये ओपनिंग टाइम है, रोज खुलता है ये 4 बजे तक, 10 बजे से, और बस 25 दिसंबर और 1 जनवरी को बंद रहता है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आके कॉफी पियेंगे भाई। मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, पर मजा आ रहा है भाई मेरे को तो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंचने के बाद। एक बार को मैं सोच रहा था वापस लग्जमबर्ग सिटी चला जाऊं, ये क्या है सर्किट, चलो यहीं से चलते हैं, अकेले घूमेंगे, ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ग्रुप में। तो बंद लग रहा है मेरे को, लिखा तो नहीं है वैसे, हाँ खुला है। मतलब नॉर्मल सा किला है अभी तक तो, मेरे को ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। ठीक है, घूमने के लिए, टाइम पास के लिए ठीक है। कुछ बिल्कुल अजूबा दिखेगा ना वो दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ऐसे किले इंडिया में बहुत है भाई, इससे तो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, कुछ व्यू मिलेगा अच्छा सा, कुछ पिक्चर के लिए वो दिखाऊंगा। ये सन 400 में बनना शुरू हुआ था, तो आज से कितने साल पुराना हो गया, लगभग 1600 साल पुराना। ऐसे बना, ऐसे बना, 1100 में, 1170, 1200, 1600, मतलब बनता ही गया है, और 2018 में ऐसा दिखता ही है। अच्छा, 1820 में छत का, वहाँ तो छत थी, छत गायब हो गई। ये बढ़िया तामझाम लगा भाई मेरे को, ये कुएं के लिए सारा तामझाम, और इसमें फ़ोन गिर गया तो मेरा बस हो जाएगा नाम नाम सत्य। ये अच्छा है, किले में घूम के ऐसी फीलिंग आ रही है ना हैरी पॉटर में, नाग शक्ति में तो मैं चुनता हूँ, मतलब वो तो गलत बोल रहा हूँ, मैं भी भूल गया, मैं बहुत साल हो गए हैरी पॉटर देखे हुए। पूरा कैसे ने ज़बरदस्ती घुमवा ही दिया, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, मैं ढूंढ रहा भाई एग्ज़िट कहाँ है। पर ये है कि जब तक आप पूरा घूम नहीं लोगे ना, तब तक बाहर नहीं आ सकते आप, या तो आपको जहाँ से एंट्री करी थी वहीं से बाहर निकलना पड़ेगा। दो ही हैं, क्योंकि एक एंट्री है एक एग्ज़िट है। तो बाहर आ गया, ये सही लगते हैं यार, ये जो है ना इनके मीनार सी, ये बढ़िया लगती हैं। अब चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, और आ सकते हो यार आप। देखो, अगर इंजॉय करना है उसके लिए सही है, पर जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना यार, वो हमेशा दूर से अच्छी लगती हैं। जैसे आप मान लो आईफिल टावर है, उसके ऊपर जाके क्या करोगे, मतलब चले जा सकते हो एक बार, पर जो नीचे से जितनी अच्छी लगी आप, ऊपर से तो कुछ भी आपको, बस आईफिल टावर तो दिखेगी नहीं, बुर्ज खलीफा उसके ऊपर चले गए तो दुबई दिखेगा ना, बुर्ज खलीफा थोड़ी ना दिखेगी। तो वही एक कासल जो है दूर से बहुत ही बढ़िया शानदार लगते हैं, पर अंदर आके वही है हिस्ट्री वालों के लिए, और लग्जमबर्ग की हिस्ट्री जानने में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं। वैसे अच्छा था, जो भी था मज़ा आया घूम के। यहाँ पे कुछ खा के चलते हैं, क्योंकि 2 घंटे वापस जाने में लगेंगे, 2 से ज़्यादा ही। एक मफ़िन ले लिया मैंने, एक ये लाटे, लाटे मतलब होता है, अगर देखो मेरे को भी इतने कॉफ़ी की नॉलेज नहीं थी जब तक ट्रैवलिंग शुरू नहीं करी, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ बिल्कुल। लाटे का मतलब होता है इसमें ना दूध ज़्यादा डालते हैं लोग, तो थोड़ी ऐसी दिखेगी, अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी कह दोगे ना तो बिल्कुल कड़वी काली दे देंगे बिना दूध की। तो
मेरे जैसे देसी बंदे हो तो भाई ये याद रखना, लाते कहना है, लाते। ये दोनों पड़ी 5 यूरो 30 सेंट की दोनों चीज़। अरे पता नहीं क्या टॉफ़ी भी दे दी इसके साथ मेरे को, क्या ही है ये। ज़रा कैसल का शहर है सारे लग्जमबर्ग के, उसमें जहाँ पे मैंने रुक के चिकन नगेट्स खाए थे वो भी खाली, ये भी बिल्कुल खाली, कोई बंदे नहीं। ये सारे टूरिस्ट हैं जो भी आ रहे हैं, ये मेरे आगे भी मेरे साथ कैसल में ही थे। अब मैं भाग रहा हूँ भाई बस के लिए, 5 मिनट में आने वाली है और 500 मीटर भागना है। उतने वक्त बेटर ट्रेन आई है, डबल डेकर आई, ये वाली ना फास्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्योंकि जो भी है मेरे को नहीं पता क्यों है, पर फास्ट है और ही निकलने वाली है। चढ़ जाते हैं।